अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NICVDO हॉस्पिटल में और आप लोग हैरान होंगे कि इस वक्त मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। अभी तकरीबन 6:10 हो रहे हैं और इस वक्त मैं इफ्तार ड्राइव में मौजूद हूँ और ये इफ्तार ड्राइव हमारे नामी गिरामी यूट्यूबर हैं मुबीन भाई, वो करा रहे हैं। अभी मैं आपको आज की इफ्तार ड्राइव भी दिखाता हूँ और मैं ये भी पूछता हूँ मुबीन भाई से कि क्यों इन्होंने ये जगह सेलेक्ट करी, कि क्यों NICVDO में इफ्तार कराना चाहिए। जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे, ये है पार्किंग NICVDO हॉस्पिटल की, आप देख भी सकते हैं वहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पार्किंग है पूरी, वो मुबीन में खड़े हैं और यहाँ पे सारी अरेंजमेंट की जा रही है। उस साइड पे शरबत तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे बिरयानी निकाली जा रही है और वो ट्रक भी आया हुआ है। मैंने इस वक्त मेरे साथ मायानास यूट्यूबर मौजूद है मुबीन भाई। आप मुझे एक बात बताएं, आपको ख्याल कैसा आया, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं कर रहा, अफतारी का सेटअप नहीं कर रहा और आप 2 साल से कर रहे हैं, कैसा ख्याल आया? नहीं यार, 6 साल होगा। 6 साल से कर रहे हैं? हाँ 6 साल होगा। सो ऑब्वियसली ये पहले ख्याल की बात नहीं है यार। देखो यूट्यूबर जो होते हैं ना वो एंटरटेनर होते हैं, उनका काम होता है कॉन्टेंट बनाना। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके पर्सनल उसकी चॉइस होगी, हो सकता है वो किसी दूसरे तरीके से कर रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनल चॉइस है, तो मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकता कि यार ये आप करो। और चूंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि भाई ये जो यूट्यूबर हैं ये एंटरटेनर है, एक्टिविस्ट नहीं है, तो इनसे एक्सपेक्ट भी ना करें, मुझसे भी इवन एक्सपेक्ट ना करें। जो भी हम कर रहे हैं हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, जो अपनी खुशी से करेगा वो आएगा। और मैं बाय द वे बता दूँ, इस ड्राइव में भी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं नामी ग्रामी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिन्होंने ऑनलाइन भी और वैसे भी फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट किया और हर सवाल करते हैं। अच्छा मुबीन, मुझे एक बात बताएं, आपने NICVDO जगह क्यों चूज़ करी? NICVDO क्यों ना चूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे हम आएंगे ना, यहाँ पे ऑल ओवर पाकिस्तान इंटीरियर से, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से, बलूचिस्तान से, इवन अफगानिस्तान से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ अटेंडेंट भी होते हैं। कल OPD होगी तो आज पूरे अटेंडेंट बेचारे बैठे रहते हैं, रोडों पे बैठे रहते हैं, तो उनके खाने पीने का हम इंतजाम कर देते हैं इफ्तार की सूरत में, तो जब भी हम बिरयानी सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन का सारी डोनेशन कौन दे रहा है, मतलब एक दिन की जिम्मेदारी को ले लेता है या मतलब छोटे छोटे लोग मर के 10,000 या वो देखो डिपेंड करता है। हम लोग जो ना पार्सल भी जा रहे होते हैं, कभी कभार कोई आते दोस्त के यार पूरा इंतजाम मेरी तरफ से कर दो तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसी तरह कोई पार्सल भी कर लेता, कोई कहता है यार मैं बिरयानी भेज रहा हूँ, कोई कहते हैं मैं जूस भेज रहा हूँ, तो अलग अलग बिरयानी हो गए, रू अफजा हो गए। नहीं नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। हाँ अल्लाह वाला जो बिरयानी है उनकी तरफ से हमें बॉटल्स मिलती हैं और वो देव में भी स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से। बट बाकी जो आप जितने भी आइटम्स देख रहे होते हैं ब्रांडेड, वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो परचेज्ड है या तो डोनर की तरफ से ही हमारी तरफ से। जिंदगी सब्र से आशना हो गई। भाई बहनों, बिरयानी आ गई है, बिरयानी की देखो तरी है, ये चेक करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबीन भाई ने माशाल्लाह नहीं किया जबरदस्त, खाकर आ रहे ना अच्छी लगेगी। में क्या सिलसिला, आज बहुत रोजा लग रहा है, मुंह धो रहे हैं बार बार आप? यार आज असल में दिन में शूट तो हमारा, हाँ दोपहर में शूट किए हुए। मुबीन भाई मुझे एक बात बताएं, आज कितनी देगी आई हैं, कितनी बिरयानी की देगी थी? तकरीबन हमारे पास शायद 7 और 9 देगी। और कितने लोगों का एहतमाम करते हैं आप हर हर रोज़? कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाएं, चाहे वो कम लोगों के लिए बनाओ तो हम कोशिश करते हैं वो सब लोग खा लें, भले एक एक निवाला लोगों के पेट में जाए, बट मतलब अगर एक हम हमारा एवरेज टारगेट है 600 to 900। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ना पूरा सेटअप लग चुका है, 6:50 हो रहे हैं और यहाँ पे ना शरबत का सिलसिला जारी है। मतलब सब आ रहे हैं अपनी बोतलें ले लेके और शरबत भर भर के लेके जा रहे हैं और आराम से बैठ रहे हैं वहाँ जाके। मतलब कम से कम 800 लोग यहाँ पे अफ्तार करते हैं, 800 लोग, तो 800 लोग आराम से शरबत भी पीते होंगे। शरबत पीते हैं, पानी की बोतलें होती हैं, शरबत होता है और सारे आइटम होते हैं, खजूर होती हैं, सब यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है जो बगैर खाली आ जाता हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे बिरयानी की थाली भी बन रही है, इसके साथ पार्सल का सिलसिला भी जारी, पार्सल भी दिया जा रहा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी है। पानी भी दे दिया है, यहाँ से शरबत का सिलसिला भी था, शरबत भी लोग लेके जा रहे हैं और पूरा सेटअप लग चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। यूँ अजान हो गई है, रोज़ा खुल गया है, आप सब इफ्तार कर रहे हैं हुजूर से। मुबीन भाई मुझे एक बात बताएं, आप पूरे महीने यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं तो आपके घर वाले नाराज नहीं थे? भाभी अभी नाराज़ नहीं हो रही आपसे कि भाई आप घर में किसी ने इफ्तार कर लें? नहीं, वो आदत सी हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई जाके बाहर अय्याशी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक फिर भी घर वाले चैरिटी है, चैरिटी एक वॉलंटियरिंग वर्क है, फिर मैं ही क्यों, मेरे घर वाले क्यों नाराज़ हो? यहाँ पे 20-25 वॉलंटियर हैं, उनके घर वाले भी नाराज़ होने चाहिए। अच्छा, डोनेशन का क्या सिलसिला है, कोई डोनेट करना चाहे तो? यार अभी तो हम लोग कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट है हमारे पास और चूँकि ये इफ्तार होती है तो हम लोग ज़कात वक़ात इसमें नहीं लेते क्योंकि हर कोई खा सकता है, हम भी खाते हैं। अच्छा, राशन का बता रहे थे? यार राशन अभी हमारे चल रहे हैं क्योंकि अब राशन के लिए भी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ लोगों को, क्योंकि अभी हमारे पास और भी आ रहे हैं राशन और अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो इतना हो ना कि जितना हम लोग कर सकें बिला वजह अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम लोग चीज़ें ले लें और फिर वो जिम्मेदारी के साथ ना दे सके तो वो बड़ा मसला हो जाता है। अभी मैं लोग कहते हैं आप लोग दिखावा कर रहे हैं, रोज़ाना ब्लॉग डाल लें तो उस पर ऐसे भी यूट्यूबर्स तो कोई करते नहीं है, तो दूसरा ये कि आप कर तो लोग कहते हैं दिखावा करें, रोज़ाना वीडियो डाल लें। चलो मैं ईद के बाद जो ना वो स्लो मोशन में जबान बाहर निकाल के वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादा सही है। टिकटॉक वो ज़्यादा सही है ना, वो दिखाना ज़्यादा सही है। तो यार अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखो अभी कोई अंग्रेज़ को आप देखते हैं अक्सर वीडियोज़ बनाते हैं वो लोग, देखा किसी बैगर को उठाते हैं और स्ट्रीट से उसके बाल बाल कटवा देते हैं, वो सब कुछ करवा देते हैं और मिलियन में व्यूज जाते हैं, लोग कहते हैं वाओ नाइस वर्क और फलाना दिमाग का। तो आपको कहीं ना कहीं से तो दिखती है ना चीज़ें, तो अवेयरनेस के लिए भी होती है कि भाई आप इंस्पायर करने के लिए, आप इंस्पायर करने के लिए कि लोगों के साथ इस तरह बर्ताव करें, तो ये भी अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, इंस्पायर करने के लिए लोगों को और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि आपको पता चले ना कि क्या चल रहा है, क्या भाई हमसे भी तो फिल्टर हो हमारे पास भी कि क्या क्या चीज़ें हमारी चल रही हैं दस्तरखान पे। एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ नहीं भाई, ईद आ रही है तो ईद पे कोई प्रोग्राम है आपका? मेरा कोई नहीं है भाई, ईद पे घर पे होंगे इंशाल्लाह ताला, और क्या करेंगे, हमारे क्या नॉर्मल से लोग हैं और ईद हमारी कैसी अच्छा ऑर्डिनरी तो नहीं होती हमारी, शोकी नहीं होगी ईद पे? नहीं भाई नहीं, शूट अभी पूरे महीने हमने बहुत किया है तो अभी बहुत ब्रेक होने वाले हैं। हाँ, ईद के दिन ब्रेक है, सिर्फ सोएंगे। भाई बहनों, आज मैंने आपको दिखाया मुबीन भाई की इफ्तारी, की मुबीन भाई किस तरीके से एनएससी वीडियो पे इफ्तारी करा रहे हैं। इसके अलावा ये कि भाई दिखाने का मकसद ये होता है कि ऐसी बताए जो डोनेट कर रहा है या जो डोनर है, जो एक दिन की जिम्मेदारी ले रहा है, एक देख की जिम्मेदारी ले रहा है, एक पानी की बोतल की जिम्मेदारी ले रहा है, ताकि उसका मतलब भरोसा कायम रहे। एक बंदे को होता है ना कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ तो वो लग का रही है, नज़र आनी चाहिए, तो इस वजह से भी दिखाया जाता है। और जैसे ही पता है दूसरी बात ये भी होती है, लोग इंस्पायर होते हैं दूसरे को देख के, मतलब ऐसे यार एक वो देख दे रहा है हम भी देते हैं, मतलब एक इंस्पिरेशन भी आती है। तो ये सारा सिलसिला होता है दिखाने का। इसके अलावा ये क्या, खैर आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी करिएगा और इसी मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।